हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली फिर से मेरा लगेज पैक। इस बार तैयारी है इजिप्ट की और आज तारीख 30 जनवरी, टाइम 5 बजे का जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। 2 तारीख को मेरी फ्लाइट है जयपुर से कायरो के लिए। ये सारी मेरी एक्सेसरीज जो मैं मोस्टली अपने साथ कैरी करता हूँ, कपड़े वगैरह मैं ज़्यादा नहीं रहता, बस ये है मेरा टोटल सामान, मेरा गोप्रो, बैटरी, चार्जर, यूनिवर्सल एडाप्टर, एक्सटेंशन कोड, पावर बैंक, मेरा पासपोर्ट, मेरा नेक पिलो, गाने सुनने का साधन, हमारी स्मार्ट वॉच, अभी ये जो लिया था वही से, मेरा ट्रैवलिंग बैग और ये मेरा छुटकू, मेरा साथी। चलिए, सो दोस्तों, अब मैं रेडी हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए। अभी मैं हूँ जयपुर और टाइम हो रहा है तकरीबन 11:30, और अब मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। मौसम ठंडा ठंडा लग रहा है, चलिए बने रहिए। कैब का वेट कर रहा था, कैब आ चुकी है तकरीबन 11:30 बजे। सब कुछ सुनसान, बस कैब में बैठे और एयरपोर्ट पहुंचे। इमिग्रेशन क्लियर हो गया, बोर्डिंग पास में बहुत टाइम लग गया, ये लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं, सारी पेपर फॉर्मेलिटी वगैरह 3-4 बार चेक कर रहे हैं। For your comfort and safety, of course, all customers, please return to your seats, fasten your seatbelts to your tables and keep your seat backs upright. Please refrain from using washrooms at this moment. Shortly after departure, we shall be serving you with a pre-booked meal, followed by the main service. But for the details, please have a look at Sky Menu, which will be distributed by the crew shortly. Also, we'd like to remind all customers that all mobile phones need to be switched off now. So, finally, main board kar raha hoon Cairo ke liye. इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लीन कर लिया। इमिग्रेशन सुपर सिंपल, सिंगल क्वेश्चन मैंने पूछा, वीज़ा देखा, स्टैम्प मारा, बोले वेलकम। सो फाइनली मेरा पिकअप हो गया, हुसैन भाई आ गए लेने।
की तरफ से पिकअप दिया गया है। बाकी भाई लोग मुड़ने में लगे हैं, जो आ रहा है टैक्सी टैक्सी, इतने चेपू हैं इतने चेपू हैं, पूछो मत। इमिग्रेशन बहुत स्मूथ, बहुत क्या सुपर स्मूथ, कुछ भी नहीं पूछा, पासपोर्ट लिया, वीज़ा पे स्टैंप लगाया, वेलकम टू इजिप्ट। चलते हैं अपने होटल में। भाई साहब यहाँ के लोग बड़े इरिटेटिंग हैं। लिफ्ट देखो बाबा, आदम के ज़माने की कटन तो भाई है लेकिन लिफ्ट शानदार है। ये जीरो आया, ये है दोस्तों अपना छोटा सा कमरा एकदम पिरामिड के सामने, होटल पिरामिड आइस करके है। थोड़ा कॉस्टली तो पड़ा लेकिन लोकेशन वाइज फिर मुझे यही जचा। छोटा है लेकिन काफ़ी साफ सुथरा सुंदर सा बना रखा है। लॉकर है, कबर्ड है, वॉशरूम एकदम चकास वाला, टॉयलेट्स भी दे रखी है। गर्मी बहुत है, गीजर, बाथरूम स्लीपर्स, सब कुल मिला के एक डिसेंट रूम है। प्राइस भी डिसेंट है, 2000 रुपये ऐसा कुछ नहीं है। टीवी है लेकिन कोई भी चैनल अपने मतलब का नहीं, तो होना नहीं होना लगभग बराबर। ये मेरे छोटू भैया, अभी लगेज खोला नहीं मैंने। ब्लैंकेट, तो फ्रेंड्स मैं पहुंच गया गीज़ा अपने होटल। और देखिए एकदम मेरे पीछे है पिरामिड। सो अभी मैं हूं अपने होटल पिरामिड्स आई, जो कि गीज़ा में है। और देखिए सामने मेरे आँखों के पिरामिड्स, बचपन से सपना था पिरामिड्स देखने का। और देखिए आज मैं एकदम पिरामिड के सामने ही स्टे किया है। आज का पूरा दिन तो चला गया ट्रांजिट में। ये है पिरामिड्स,